Hello students, today we are going to learn transfer information verbal to non-verbal. Already हम लोगों ने verbal to non-verbal का एक type देखा था कि how we can complete the table. कि जैसे passage में आपको information verbally passage में information पूछा होगा and we have to complete our table और हमें table complete करना होगा. Now today we are going to learn कि कैसे जो है वर्बली पैसेज में इंफॉर्मेशन दिया गया होगा एंड वी हैव टू ड्रॉ अ ट्री डायग्राम ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन. लेट्स सी, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द ट्री डायग्राम. सी, इसे बोलेंगे वर्बल बिकॉज ऑल इंफॉर्मेशन इज गिवन इन द पैसेज फॉर्म. रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड कम्प्लीट द ट्री डाइग्राम. जैसे जब टेबल होता है तो यहाँ पे लिखा रहता है कम्प्लीट द टेबल. अब ट्री डाइग्राम होगा तो यहाँ पे लिखा रहेगा कम्प्लीट द ट्री डाइग्राम. लेट सी हाउ वी ड्रॉ द ट्री डाइग्राम ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन. जो भी जानकारी हमें दी गई है उस जानकारी के आधार पर हम किस तरह से ट्री डाइग्राम ड्रॉ करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लर्न दिस क्वेश्चन एंड रीड अबाउट इट केयरफुल्ली. See, oil is a necessary in the nutrition of our body, but excess use of oil, excess matlab adhik, excess use of oil should be avoided. There are three types of the oil. See, abhi kiske bare mein humko bataya ja raha hai? This oil information is all about the oil. Kiske bare mein hai? Oil ke bare mein hai. एंड अब उसके थ्री टाइप्स बताए गए. तो देयर आर द थ्री टाइप्स, मतलब उसके हम तीन शाखाओं के जैसे थ्री ब्रांचेस हम उसके निकालेंगे. वी यूज़ ग्राउंड नट ऑयल, वेजिटेबल ऑयल एंड मिनरल ऑयल इन आवर डाइट. अब यहाँ पे तीन ऑयल के नाम दिए गए. व्हाट आर द थ्री टाइप्स ऑफ द ऑयल? ग्राउंड नट ऑयल, वेजिटेबल ऑयल एंड मिनरल ऑयल. ये तीन आपके ऑयल आ गए. तो ये तीन हमारे ऑयल के प्रकार हो गए. फिर हम आगे देखेंगे ग्राउंड नट ऑयल इज़. अब एक एक ऑयल के बारे में बताया गया है कि वो कैसे प्रिपेयर्ड किया जाता है एंड वेयर वी यूज़ इट और कहाँ हम उसका यूज़ करते हैं. सी, ग्राउंड नट ऑयल इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम ग्राउंड नट विच वी यूज़ फॉर ईटिंग. अब ग्राउंड नट ऑयल कैसे प्रिपेयर्ड होता है? ग्राउंड नट से, राइट? तो यहाँ पे हम फिर से ब्रांचेस निकाल के लिख देंगे ग्राउंड नट. Use of eating, और इसका use कहाँ किया जाता है? Eating, और यहाँ पे आ जाएगा cooking food. It means दो चीज़ों के लिए हम use करते हैं. तो उसके बाद we have to draw a two branches. It means one for the eating and second is cooking food. Same as इसी तरह से हम vegetable oil देखेंगे. अब यहाँ पे vegetable oil के बारे में भी हमको information दिया गया है कि वेजिटेबल ऑयल इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम वेजिटेबल सीड. अब ये सीड्स, अभी वेजिटेबल सीड से प्रिपेयर होता है. तो जो हमने वेजिटेबल ऑयल का कॉलम बनाया वहाँ पे हमारा आ जाएगा वेजिटेबल सीड्स. वेजिटेबल ऑयल इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप्स, मेडिसिन, सेंट एंड कुकिंग. अब इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है? तो उसके फिर से अगेन वी ड्रॉ फोर ब्रांचेस, चार ब्रांचेस हम निकालेंगे. तो वहाँ पे आ जाएगा सोप्स, मेडिसिन, सेंट एंड कुकिंग. इस तरह से हमारा वेजिटेबल ऑयल हमने कंप्लीट कर दिया. इसके बाद नेक्स्ट है द थर्ड टाइप ऑफ द ऑयल इज़ मिनरल ऑयल. अब यहाँ पे तीसरा प्रकार कौन सा हमारा? मिनरल ऑयल का. तो अब हम मिनरल ऑयल के ब्रांच में जाएंगे विच इज़ ऑप्टेन फ्रॉम, ऑप्टेन इट मीन्स प्रिपेयर्ड, प्राप्त होना. तो विच इज़ ऑप्टेन फ्रॉम द क्रस्ट ऑफ द अर्थ. अभी मिनरल ऑयल जो है वो हमें पृथ्वी को खोद कर ही निकलता है, राइट? तो क्रस्ट ऑफ द अर्थ मिनरल ऑयल इज़ अ वेरी यूजफुल. इट इज़ यूज फॉर द ड्राइविंग मशीन्स. अभी इसका यूज़ कहाँ होता है? मशीन्स के लिए होता है. इट इज़ यूज इन द इंडस्ट्रीज ऑल्सो. तो यहाँ पर दो कॉलम हम बना सकते हैं, फर्स्ट इज़ अ ड्राइविंग मशीन एंड नेक्स्ट इज़ द इंडस्ट्रीज. तो इन दिस वे यू हैव टू रीड द ऑल इंफॉर्मेशन इन वेरी केयरफुल वे, क्योंकि पूरा पूरा आपको नहीं लिखना है. जो हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वी हैव टू राइट ओनली दैट मच.
ओनली उतना ही आपको लिखना है. लेट्स सी हाउ वी ड्रॉ द ट्री डायग्राम. इट्स अ ट्री डायग्राम. ये जो है ट्री डायग्राम है. अब यहाँ पे ट्री, वी डोंट हैव टू ड्रॉ द ट्री. आपको ट्री नहीं ड्रॉ करना है कि ट्री डायग्राम बोला गया तो आप पेड़ जो है पेड़ के ब्रांचेस निकाल दो. नो, यू हैव टू ड्रॉ इन दिस वे. दिस वे इस तरह से आपको ट्री डायग्राम ड्रॉ करना है. इसे कहते हैं ट्री बिकॉज यहाँ पे देखेंगे तो ब्रांचेस, अलग अलग ब्रांचेस निकले हुए हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है ट्री डायग्राम. राइट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी दैट देयर इज़ द, यहाँ पे एक बना हुआ है मेन, किसके बारे में है, ऑयल. राइट, उसके बाद में आपको कॉलम दिया गया रहेगा, टाइप्स ऑफ द ऑयल प्रिपेयर्ड फ्रॉम एंड यूज. इस तरह से आपको कॉलम बनाए गए रहेंगे. तो अब इस तरह से अगर बना हुआ है तो आपको क्या करना है, अब यहाँ पे लिख दिया ऑयल. ऑयल के कितने टाइप्स बताए गए, थ्री टाइप्स. तो यहाँ पे हम लिख देंगे ग्राउंड नट ऑयल, मिनरल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल एंड मिनरल ऑयल. इसके बाद जैसे कि क्वेश्चन से हमने देखा, ग्राउंड नट ऑयल कहाँ से प्रिपेयर्ड हो रहा है, वी यूज अ ग्राउंड नट. वेजिटेबल, ये सब तो टाइप्स हो गए. फिर ग्राउंड नट ऑयल इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम द ग्राउंड नट. कहाँ से प्रिपेयर्ड हो रहा है, ये ग्राउंड नट से. तो यहाँ पे जब हम डायग्राम बनाएंगे तो यहाँ पे हम लिख देंगे ग्राउंड नट्स. वेजिटेबल ऑयल, अब वेजिटेबल ऑयल कहाँ से बन रहा है, प्रिपेयर्ड फ्रॉम सीड्स, वेजिटेबल सीड्स. सेम ऐसे इसी तरह से मिनरल ऑयल, मिनरल ऑयल के लिए भी यहाँ पे लिखा गया था कि मिनरल ऑयल ऑब्टेन फ्रॉम, राइट, ऑब्टेन फ्रॉम इट मीन्स प्रिपेयर्ड, ऑब्टेन फ्रॉम द क्रस्ट ऑफ द अर्थ. तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे आंसर में, द क्रस्ट ऑफ द अर्थ. अब हम देखेंगे यूज, सबके यूजेस अलग अलग दिए गए थे. तो यहाँ पे देख रहे हैं आप ग्राउंड नट ऑयल के दो यूजेस हमने निकाला, ईटिंग एंड कुकिंग फूड. उसी तरह से यहाँ पे वेजिटेबल सीड, अब जैसे यहाँ पे दिया गया है वेजिटेबल सीड, वेजिटेबल सीड का क्या यूज़ हो रहा है, इट्स अ यूज फॉर द सोप, मेडिसिन, सेंट, कुकिंग. तो यहाँ पे फिर अगेन वी ड्रॉ फोर, इस तरह से हम चार उसके निकालेंगे, या तीन भी निकाल सकते हैं हम. मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ सोप्स, कुकिंग, मेडिसिन, और इसको आप अलग भी कर सकते हो या एक ही में लिख सकते हो, मेडिसिन एंड सेंट, या मेडिसिन और फिर सेंट, इस तरह से अलग कर सकते हो. इसके बाद है मिनरल ऑयल. तो मिनरल ऑयल के लिए यहाँ पे क्या बताया गया हमको, कि इट इज़ यूज फॉर द ड्राइविंग मशीन एंड इट इज़ यूज फॉर द इंडस्ट्रीज ऑल्सो. तो मतलब दो यूज़ हो रहे हैं उसके. तो यहाँ पर हम मिनरल ऑयल का, जो कि द क्रस्ट ऑफ द अर्थ से प्रिपेयर्ड हो रहा है, इसके दो यूज़ हमने लिख दिया. यूजेस पूछा गया था तो यूजेस के कॉलम में लिख देंगे ड्राइविंग मशीन एंड इन इंडस्ट्रीज. तो इन दिस वे यू हैव टू ड्रॉ द ट्री डायग्राम. समटाइम्स जो होता है कि ये सारी इंफॉर्मेशन हमें खुद जो है उसे बनाना होता है. कभी कभी डायग्राम दिया भी गया होता है, सिर्फ फिलअप करना होता है, बट समटाइम इट्स हैपन दैट कि हमें ट्री डायग्राम खुद से ड्रॉ करना है. तो जब ट्री डायग्राम ड्रॉ करते हो, ऑन दैट टाइम माइंड दैट कि सबसे पहले टाइटल का नाम आना चाहिए, किसके बारे में बताया गया, फिर उसके कितने टाइप्स दिए गए, फिर एक एक के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन रीड करते हुए ध्यान से ट्री डायग्राम को ड्रॉ करना है. तो इन दिस वे वी कम्प्लीट आवर ट्री डायग्राम.